तो जस्ट अभी मेरी शिफ्ट खत्म हुई है और मैं फटाफट से अब भागूंगा क्लब की तरफ। ठीक है, 450 हो गया ऑलरेडी, 5 तक पहुंचना होता है वहां पे, तो फटाफट भागते हैं और चलते हैं। मीशू शायद जाएगा, बाय द वे मीशू शायद जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी, है ना, हम ऐसे लाइन से ही बीमार होते हैं। तो चल मैं भी चलूंगा, चलेगा? उधर आपकी टी शर्ट पकड़ा रहूंगा पूरे टाइम। बाप रे, मत चल यार। तो चलो आ गए भाई क्लब, लोग बहुत बढ़ गए यार, है ना? क्यों अमन? 22 लोग आते हैं, बहुत सारे। देख तो सही, अभी 3-4 दिन पहले तक ना बहुत कम लोग आते थे इधर, और अब देखो कितने सारे हो गए, है कि नहीं? ये वाटर कूलर का पानी कोई नहीं, ठीक है? देख तो बोतल लाती है और पानी यहाँ आके भरती है सामने घर में लेके फालतू काम है। इतनी बड़ी बड़ी बोतल लाओ, वाटर कूलर का पानी कोई नहीं खराब नहीं है, ठंडा कर रहा है, पीछे ऊपर से पानी आता है टंकी में से डायरेक्ट, फिल्टर नहीं हो रहा है, पी रहे हैं अभी। ठीक है, पता चला ऊपर गए थे जब देखने सुबह, और टंकी बड़ी गंदी है, उसमें फोन घुसता है, चिपकली जो भी है सब। मैम तो 2-3 घंटे कोई नहीं पिएगा, 4-4 बोतल लाओ भले। ठीक है, चलो रनिंग करो, चलो रनिंग करो। गाइस पानी बिना भी नुकसान के बाहर हो गया, सही बात है। हाँ भाई, ये राजस्थान का और ये पाकिस्तान का। जो कर पाया वही करो। पीछे से थोड़ा, पीछे से बोलो, इसको जा लगाओ, चलो लगा मत लेना। जंप तो सही, लाइन एक में हो गया, वजन ले ली। ओ चलो, ओ भाई मैंने क्या बोल रहा हूं? ओए ओए, मैंने क्या लिया है लगाया दीपक, तो एक का वासु भैया। आप अभी तक वो स्टूल पे नहीं कूदे? नहीं, फट रही है मेरी। आप मेन कैरेक्टर हो, आप इस चैनल के ओनर हो। तो देख ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। मेन कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से अलग रहता है, ठीक है? उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती धीरे धीरे। तो मैं अलग अभी भी क्या ओए ये तू बोल रहा है, तू कुत्ता। हाँ शान भैया, ओए नितेश कुछ जा उस पे। आपको पता है मीशू आज नहीं आ रहा है, आशु मतलब मीशू आ चुका है लेकिन गेम नहीं खेल पाएगा। अरे फोन गिर जाएगा, फोन गिर जाएगा। सो सैड। वैसे यहाँ पे अब मीशू, वैसे यहाँ पे नए सेटर्स भी आ चुके हैं। मीशू जल्दी आओ वापस। मेरे को डरा रहे हो आप, एक बार सही हो जाने दो मेरे को। बिल्कुल। तो बाप रे वासु भैया पैथेटिक, चिल्ला गया, कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे लग गई। क्या लगता है आरसीबी जीतेगी कि नहीं? आज जीतेगी, फाइनल भी जीतेगी, आईपीएल भी जीतेगी। फिर पार्टी नहीं, पार्टी हारेगी, हारेगी। अगर यही देंगे पार्टी, हारी तो मैं पार्टी दूंगा और जीती तो आप। अधीश भैया सुन लो, हारी तो वो पार्टी देंगे, जीतेगी तो आप दोगे। तो कैरी डाइव लगेगी। बाप रे, आप इसमें भी डर रहे हो? ये तो जब मैं सही था मैं कूद गया था इस पे से। तो डंडा नहीं तो भाई को डंडा मारूंगा। अरे दोनों पैर से कूदो। दोनों पैर से कूदो अमन भैया। अरे डाइव, कम ऑन लिब्रो। अरे है, तभी तो आपको 4150 में खरीदा मैंने। 50 में? हाँ। अरे बाप रे, क्या करना है? वेट कम करवा देंगे बस, और कुछ भी करना है क्या? रुको, अभी इसका काम। अरे अरे अक्षत भैया एब्स दिखाओ, एब्स एक बार। अभी आई एम ऑन गेम सो नो एब्स। यहाँ अमन भैया निरीक्षण करते हुए वर्कआउट की जगह मैं आ रहा हूँ। 80 कूद ली। हाँ 500 का बोला है। इधर गए क्या यार वासुदेव, देखो अनिकेत भैया तक इस पे से उठ के। हाँ यार वो फुटबॉल खेलता है यार। तो आप गेट लगा दे। आप सॉफ्टबॉल खेलते थे। कुछ तो चीज नहीं होती, कुछ तो होता होगा। कुछ भी नहीं होता था। और शान भैया ओए तुषार, एक पैर से कूद जाए इसके ऊपर से। देख लो ट्रेनिंग हो रही है। सर्किट आज अपन को सर्किट ही बना देंगे, सुन लो। अरे बीच में से हट। रेडी टू डाई। पुशअप चालू करे रिव्यू है क्या? 5 राउंड के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत। दीपक भाई आपको कुछ कहना है? आपके भी 5 राउंड हो गए ना। वो नेपाल का नाम भूल गया। बिल्कुल सही। सानिध्य भैया आपको कुछ कहना है? सानिध्य भैया आपके कितने हुए वासु भैया? इधर आ जाओ सब। ये बहुत बड़ा हैवान है। हैवान इधर जल्दी। एक कॉल में मैं बोल रहा हूँ, इधर आ जाओ। हैवान बोलते हैवान। आप मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो क्यों गौरव भैया? मैं जल्दी निपटा देता हूँ काम। छोड़ता नहीं हूँ, और जूनियरों को ज्यादा नहीं छोड़ता। इसलिए बोलते हैं सर हम कहीं लेटना नहीं चाहिए, इसी 12 बज जाते। पानी तो दे रे। पानी पीने को जा रहे हैं हम। बोलो कुछ बोलने का सोच रहे हो ना अमन भैया? बोल दो। एक और बार आपके लिए गिफ्ट है। ये देखो भाई रतीश भैया गिफ्ट दिया। आप तो आरसीबी को जीतना चाहिए। मैं पूरा विश करूंगा। अरे तीसरी वाली उंगली में, तीसरी वाली उंगली में नहीं, तीसरी तीसरी वंडर वुमन। क्यों अमन भैया वंडर वुमन? अक्षत भैया आप गौरव भैया से रिलेटेड कुछ रिव्यू देना चाहोगे? मोबाइल भाई दीपक भैया बालों को स्ट्रेट कर रहा हूँ, हेयर स्ट्रेटनर। निकित भैया एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या करने वाले हो आप। उधर से पक्का कूद जाओगे? ओ सुना है ना भूतिया, तेरा एक्सपर्ट रहते हैं वो, मतलब तो उनके काम करते हैं तांत्रिक वाले है ना बाबा? अरे बाबा नहीं, वो अमेरिका वाले। अरे प्लीज एडवर्ड नाम था उसका, जो थोड़ा सा इन पे शोध करते, जो भूत उन पे शोध करते हैं। अरे जो झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक अलग है, वो अपने जैसे जूलॉजिस्ट होता है ना है ना। नेक्स्ट उसमें उनने एक शोध करा था कि अगर आपको रात को भूत के सपने आते हैं तो तुमको भूत दिखता है तो सही में असल में वो भूत तुमको कहीं से देख रहा होता है, मतलब बाहर से। तुम सो रहे हो, तुमको बाहर से देख रहा है। मतलब मैं सो रहा हूँ और वो खड़े होकर मेरे को देख रहा है, बैठ के देख रहा है, खड़े होकर देख रहा है, पर मेरे को देख रहा है। भूत अपन को देख रहा होता है। अंदर मतलब अपन सपने देख रहे हैं, अपन को भूत के सपने आ रहे हैं। चलो असल में नहीं, अपनी आत्मा जो भी है वो अपन को देख रही, अपनी नहीं दुनिया बनाएंगे। गूगल में पढ़ा था ऐसा कुछ भी होता है ना कि खुद के सपने आते हैं तो अरे फटके चार नहीं हो रही क्या?